अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजम्मिल सईद, कराची क्राइम हाई लाइटिंग सेल मुनफरिद व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन कमेटी से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध पुलिस के सरगताज जनाब SHO शाहिद ताज साहब। और जैसा कि एक इंटरव्यू जो है मुझसे कुछ देर पहले भी हमारी एडमिन कमेटी के मेम्बर सईद लोधी भाई ने किया, और एक सवाल यहाँ पर सर मैं उठाना चाहूँगा आपसे और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़के का जो है मर्डर हुआ था और उसको बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके जो है मारा गया था, तो उस केस के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्या पेश रफ्त हैं, और लोगों का ये कहना है कि ये मुलजिमान जो है बरी हो जाएंगे और बहुत ताकतवर लोग हैं, तो पुलिस जो है मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, और आपकी लोकेलिटी का केस है तो आप इस बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके ग्रुप का और आपके इसका कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। दूसरा, इस केस के हवाले से ये जो वायलेंस का केस हुआ, इसके अंदर एक बंदा जो मार दिया शोरूम वालों ने, ये 8 अगस्त की बात है, और 8 अगस्त को शाम में एक ये लड़का अदील नाम का था जिसको ये शोरूम वाले लड़कों ने उठाया, और ये क्लेम करते थे कि ये इससे पैसे मांगते थे अपने 15-16 लाख रुपये, और इन्होंने उठा के इसको बुरी तरह तशद्दुद किया अपने शोरूम के ऊपर, और इसके साथ जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पर उन सब ने तशद्दुद किया। अच्छा, बेहिशी की बात यह है कि इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे रहे 10-12, उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुलिस को इन्फॉर्म करता, कोई ऐसा नहीं था जो पुलिस को आगाही देता या इस उन अशखास को इतना वायलेंस तशद्दुद करने से रोकता, और उसको इतना मारा गया कि बिलआख़िर वो जब उसको बंद करके गए तो वो फौत हो गया। तो ये एक माशरे का बड़ा एक नेगेटिव रोल है हमारी सोसाइटी का कि हम बहसियत में जा रहे हैं, बहसियत कौम हम किस सिमत में जा रहे हैं कि हम अपने सामने आंखों के सामने जुर्म और गुनाह होते देख रहे होते हैं और हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, ये चीज़ें गलत है। और जहाँ तक इस केस की बात है, इस केस के अंदर जितने मुलजिमान हमारे सामने वीडियोज़ में आए उसमें ऑलमोस्ट हम जो मेन जिनका प्राइम रोल था वो हम सारे अरेस्ट कर चुके हैं, और केस हमारा जो उसकी फैमिली है, बहन है, उसकी मुदैयत में 302-365 का दर्ज कर चुके हैं, और ये मुलजिमान गिरफ्तार होके अब जेल भी जा चुके हैं। बाकी जो मुलजिमान हैं उनकी भी तलाश जारी है, और इंशाल्लाह इनको करार बाकी सज़ा दिलाई जाएगी, जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी उसी के अंदर कराए जाएंगे। इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें जो सबसे जो पुलिस का जो पॉजिटिव और क्विक जो रोल है वो ये है कि अभी वीडियो वायरल हुई है, 10 तारीख को हमें इसकी इतला मिलती है कि वीडियो वायरल हुई है, और इस वीडियो वायरल में मौजूद अशखास जो है एक होटल में बैठे हैं, उस पर जो हमारा मोबाइल अफसर है वो फौरी तौर के ऊपर रेस्पॉन्ड करता है, और उन 2 अशखास को जो वीडियो में तशद्दुद करते हुए दिखाए गए जिसमें से एक का नाम अली और एक का नाम अम्मार मालूम हुआ, उनको लेके थाने आ जाते हैं। यहाँ थाने में मैं भी मौजूद था, मैंने उनको इंट्रोगेट किया, तो मैंने उनसे बस 2-3 बातें पूछी कि आप ये बताएं कि जिसको मार रहे हैं ये कहाँ है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको हमने UP से रवाना कर दिया, वो चला गया, पता नहीं है कहाँ है। और दूसरा मैंने इनसे पूछा कि ये जो मारपीट कर रहे हैं किस जगह पे कर रहे हैं, तो ये इन्होंने मुझे मेरा इलाका नागन पे जो शोरूम है वो जगह बताई। मैंने अपने ड्यूटी अफसर को हिदायत की कि उस जगह पे जाके सर्च करें, कोई ऐसी एविडेंस, कोई बेल्ट या डंडा जिस चीज़ से मार रहा है उसको कलेक्ट करें। मेरा ड्यूटी अफसर जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है तो मैंने उसको एक और हिदायत कर दी थी कि जिस वक्त आप इनका शटर वगैरह खोलो तो वीडियो वगैरह बना लेना पहले से। उन्होंने इसकी शटर की चाबी इससे मांगी तो इसने चाबी नहीं दी, हमें शक था कि बंदा शायद कहीं ऐसा ना हो कि मारपीट करके अंदर ही बंद किया हुआ। तो जब शटर का ताला तोड़ के शटर खोला गया तो अंदर उस शख्स की तशद्दुद ज़्यादा लाश, फौरी तौर पर इनको हिरासत में ले लिया और इनको ला के इंट्रोगेट करके मुदैयों इनकी जो फैमिली है मकतूल की उसको बुलवाया, और इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, इसका पोस्टमार्टम करवाया, उनकी मुदैयत में FIR करी, और ये 2 ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके थे। फिर इनकी मदद से और इन्वेस्टिगेशन टीम के तआवुन से ऑपरेशन टीम ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने जॉइंट ऑपरेशन के अंदर इनके मज़ीद 4 बंदे गिरफ्तार किए, और ये टोटल 6 बंदे इसके अंदर अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, और 6 के 6 अब जेल जा चुके हैं। बाकी मुलजिमान की भी तलाश जारी है, और इसमें इनको इंशाल्लाह हम जो इनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिर में ये आपसे पूछूंगा कि आवाम को जो है क्या मैसेज देने जाएंगे, कराची शहर जो है यहाँ पे क्राइम की भरमार है, और आवाम जो है पुलिस के साथ ताबून नहीं करती, आवाम डर दी कि पुलिस जो है आवाम दोस्त नहीं है, तो आप आवाम को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप कानून अपने हाथ में ना लिया करें, कि अपने तौर के ऊपर सज़ा और जजा का फैसला करें। अगर वो मुलजिमान पकड़े जा रहे हैं और उनका वाकई कोई ऐसा जुर्म है तो उसको कानून के सुपुर्द करें, कानून के हवाले करें, और उसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने के लिए
कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करें, आके अपनी गवाही दें उनके खिलाफ ताकि उनको कानून के मुताबिक सजा मिल सके। तो मेरे साथ ये जनाब एस एच ओ शाहिद साहब मौजूद थे, आपने इनका इंटरव्यू देखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।